ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਮਪੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਮੈਦਾਨ ਮੇ ਆਪਕੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆਪ ਦੇਖੀ ਸ਼ੀਲਾ ਜੀ 42 ਸਾਲ ਕੀ 82 ਸਾਲ ਕੀ ਹੈ 82 ਇਅਰਸ ਔਰ ਸ਼ੀਲਾ ਜੀ 15 ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੀ ਹੈ हम उनका सम्मान करते हैं लेकिन शीला जी के समय में इस दिल्ली की जो दुर्दशा हुई है अनऑथराइज कॉलोनी को बार बार वो कागज बांटती रहीं ऑथराइज नहीं हुआ उन्होंने लगातार दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनियों से झूठ बोला शीला जी के ऊपर 76,000 करोड़ के घोटाले का आरोप है कॉमनवेल्थ में वही शीला जी है न तो अब ये दिल्ली को सब पता है कि नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र मोदी के जो सिपाही हैं वो सब आगे निकल गए हैं इन लोगों के हाथ में कहीं से भी अब देश का कोई भी सीट जनता देना नहीं चाहती है सब नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने के लिए तत्पर हो चुकी है गठबंधन अगर हो जाता तो कितना क्या लगता अभी नहीं हुआ तो क्या इसका बेनिफिट मिलेगा पार्टी को देखिए हम तो ये सोचते ही नहीं कि गठबंधन से या गठबंधन नहीं होने से हमें क्या फायदा और नुकसान होगा लेकिन आज तो अजय माकन जी ने खुद कहा है हार मान लिया कि गठबंधन होता तो हमारा ये होता गठबंधन नहीं हुआ तो हम सातों की सातों सीटें बीजेपी जीत रही है सच्चाई ये है कि गठबंधन को छोड़ो अपने कर्म बंधन को देखो आपने जो कर्म किए हैं दिल्ली में उससे आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों हाशिए पर है और हम साथ की साथ सीटें जीत रहे हैं अकाल चैनल नू सब्सक्राइब करो नवी वीडियोस दी नोटिफिकेशन दे ले बेल आइकन नू क्लिक करना ना भूलना बोला।